सदर तहसील के मुंडा धामो गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। उधर जल निगम के अधिशासी अभियंता योगेंद्र कुमार ने हादसे पर बेतुका बयान जारी कर दिया। उनका कहना है कि बच्चे का पिता उन्हें वहां छोड़कर चला गया था, जिस कारण ये हादसा हुआ, जबकि पिता पास के ही गाँव में मार्केट गया हुआ था। पूरा मामला सदर तहसील के मुंडा धामो गाँव का है। यहाँ एक वर्ष से जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी के लिए गड्ढा खोदा गया था। इसमें बारिश के चलते जल भराव हो गया। को मुंडा धामो गांव निवासी सुभाष चंद्र की बेटी नंदिनी अपने ममेरे भाई सचिन के साथ बाहर खेल रही थी। इस दौरान दोनों बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए और गड्ढे में गिरकर दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बारे में सीओ सिटी संदीप सिंह ने कहा कि हादसा दुखद है, यदि परिवार के लोग तहरीर देंगे तो जांच की जाएगी। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। कई महीनों से गड्ढे को भरने की ग्रामीण मांग कर रहे थे, लेकिन इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, हम लोग ग्राम मुंडा धामो थाना क्षेत्र सदर में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण प्रारंभ हुआ था, जैसे कि अन्य ग्राम पंचायतों में भी काम चल रहा है। विगत 25 जून को यहाँ पर टैंक के लिए राफ्ट की खुदाई हुई थी, उसके सरियोरिया लगाया गया और राफ्ट का निर्माण हुआ। इन द मीन वाइल इधर बारिश हुई तो उस गड्ढे में पानी इकट्ठा हो गया। यद्यपि कि चारों तरफ से बाउंड्री है और केयर टेकर भी रख रखा है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि गांव की आबादी से काफ़ी हट के है ये जो निर्माणाधीन स्थल है। इसमें केयर टेकर का खुद के बेटी नंदिनी लगभग 8 वर्षीय और उनके एक रिलेटिव का लड़का सचिन, ये दोनों आज लगभग 11 बजे, जैसा कि यहाँ पे प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है, स्थल पे आए। जबकि उनको किसी उनके रिश्तेदार ने कहा भी कि तुम बच्चों यहाँ क्यों आ रहे हो, कहाँ हो, तो फिर वो कहे कि चप्पल वगैरह छूट गई है। फिर वो बाद में जब इनके पिता लौटे, केयरटेकर उस समय थे नहीं, जब लौटे तो उन्होंने देखा कि कपड़े बाहर उन लोगों के रखे हुए हैं और जल भराव में उनकी जो है डूब के डेथ हो गई है, जैसा कि उन्होंने देखा। और हम लोग इसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं और जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको कराएंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है यहाँ पर आए दिन बरसात में जल भराव बहुत होता है, तो यह पानी की टंकी यहाँ पर बनाई जा रही है, काम भी स्लो हो रहा है, ऐसा भी कहना है ग्रामीणों का। नहीं देखिए, ये तो ग्रामीणों के द्वारा ही खुली बैठक में जमीन का प्रस्ताव होता है और यहाँ पे एक जल जीवन मिशन के तहत टैंक का निर्माण चल रहा है। जल भराव जैसी स्थिति तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है प्रथम दृष्टया, लेकिन जो राफ्ट में जाहिर सी बात है जहाँ टंकी बनेगी वहाँ एक गड्ढा तो खुदा ही है, लगभग पाँच फीट गहराई का गड्ढा है जिसमें जल भराव था, उस गड्ढे की बात कर रहे हैं। आप देखें इसके चारों तरफ कहीं बारिश का पानी या जल भराव जैसी स्थिति नहीं है, उस गड्ढे में जरूर है जहां पे ये घटना हुई है। बाहर कपड़े दिखाई दिए बच्चों के और डूबने से डेथ हुई। सर, आज एक सरकारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है मोबाइल का? नहीं, इस पे ये मुझे जानकारी में नहीं है। अभी जो हम घटना स्थल पे हैं, जो गंभीर घटना है, तो पूरा प्रशासन, हम हैं, ADM साहब हैं, SDM हैं, राजस्व की टीम है, XCM जल निगम भी हैं यहाँ पे, और कार्यदायी संस्था के भी लोग हैं। तो हम लोग अभी की घटना पर तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जो सरकारी प्रेस नोट में जिक्र है कि वहाँ पे गेट लगा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना वहाँ पे कोई गेट? नहीं, गेट है और इधर से गिट्टी वगैरह ले आने के लिए ट्रक के लिए रास्ता खोला गया है, जैसा कि मौके पर दिख रहा है। गेट बना हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है और एक तरफ रास्ता वो ट्रक के सामान वामान ले आने के लिए खुदा हुआ है, जैसा कि यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे आप भी देख सकते हैं। जो भी हो, इस पर जो भी नियम संगत कार्रवाई है ये सुनिश्चित की जाएगी। सर, आप बता रहे हैं कि केयरटेकर मौके पर नहीं थे। घटना सर, दो बच्चे खेलते खेलते यहाँ आए, दोनों बच्चे, और उसी में डूब गए। ये टंकी बन रही है सर, वो उसमें गड्ढा ये साल डेढ़ साल से ऐसे ही पड़ा है, खुदा पुकलैंड से। हाँ, पुकलैंड से खुदा है सर ये।
क्या बनना है यहाँ पर? ये टंकी बन रही है पानी वाली। तो कहीं शिकायत की आप लोगों ने, ये छोड़ के चले गए सर ऐसे ही? नहीं शिकायत सर, यहाँ कोई नहीं आया, आता ही नहीं यहाँ कोई। अच्छा हाँ, प्रधान जी से कहा कभी? प्रधान जी की चलती ही नहीं है, क्या उनसे कहें। तो क्या किस तरह की लापरवाही है यहाँ पे? ये लापरवाही सब प्रधानी वाली है, और का है गेरे? नहीं क्या दिख रहा है आपको, कोई लापरवाही? लापरवाही है इतने साल में तो बन जाना चाहिए यहाँ। पहली बात तो बनना नहीं चाहिए था यह, सर इसके बराबर पानी भरता है दीवार के, इससे ज्यादा। सर सड़क पे ये सड़क ये जगह ही नहीं ठीक थी यह, लेकिन बनवा दिया गया। ठीक दादा, क्या घटना हुई? घटना ये बच्चे रहें जो गांव में, हम गांव के रहें तो गए रहें, खेलत खालत पहुंच गए हैं साइकिल से, पानी टंकी बन रही है गांव, वो गड्ढा खुदा रहा है, पानी भरा रहा है, वह पता नहीं नहा के चक्कर में घुसे कैसे तो वहाँ डूब गए। कहाँ पर पानी टंकी बन रही थी? ये गांव से नहीं, दक्षिण यहाँ है करबला, वहाँ बन रही। दोनों भाई है? नहीं भाई नहीं, एक लड़की है और एक उनका साला है। क्या पूरा मामला है ये और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? ये मुड़ा धामो ग्राम थाना कोतवाली सदर लखीमपुर के अंदर आता है। यहाँ पर दो बच्चों को डूबने की सूचना के प्राप्त होने पर तत्काल कोतवाली पुलिस सदर मौके पहुँची, और मौके पहुँच करके दोनों बच्चों का जो मृत हो पाए गए थे उनका पहचान नंबर तो प्रणाम करने पड़े गए हैं। इसमें अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, जैसे कोई तहरीर प्राप्त होती है उसे जाबाद जांच उसमें कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति कानून व्यवस्था को समस्या नहीं। लखीमपुर से अशोक शुक्ला की रिपोर्ट।